सहस्रशीरिका पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिकौ सर्वतस प्रतिपात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदकौ सर्वं यद्भूतं जश्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत् पुरुकः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यरिष्टत पश्चाद् भूमिमतो पुरः तस्माद्धज्ञात् सर्वहूतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये माया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्त ईशान्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनि जनिषे कौशले देशे भूमोहि समगो द्विजः मुनिशापनृतां प्राप्ता नृषिं सात तथोद्धवम् ततो वीतासुरेभ्योः सद्धर्मां स्थापय न ज सद्धर्मां स्थापय न ज बोलो स्वामी नारायण भगवान नी जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री राधा रमण देव नी जय श्री लक्ष्मी नारायण देव नी जय श्री नर नारायण देव नी जय श्री गोपीनाथ जी महाराज नी जय श्री मदन मोहन जी महाराज नी जय श्री कष्ट भंजन देव नी जय अथ अष्टविंशोऽध्यायः सूरत उवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा अस्मिन्नब्दे मधु शुक्ले द्वितीयायां भृगो नृप दस्त्रे सिंहे हरिं धर्मो विद्यारम्भमकारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणं वाणीं सामवेदं च गोभिलं पुपूजात्र यथाशास्त्रं गणेशार्चनपूर्वकं स्वामिनारायणाय स्वाहा कृत्वा धृतेन होमं च भोजयामास वाडवान् तेभ्यश्च दक्षिणाः प्रादाग्दाः सुवर्णं च शक्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा कुशाग्रबुद्धिः कृष्णोऽथ कालेनाल्पेन सर्वशः वर्णान् अङ्कांश्च शिक्षित्वा ग्रन्थमात्रम् अवाचयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा बुद्धिं तीक्ष्णां तस्य दृष्ट्वा धर्मविद्धर्म आदरात् वेदास्याङ्गानि षडपि पाठयामास तं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा अनायासेन सर्वाणि तानि सोऽप्यध्यगीष्ट च मोञ्जीबन्धनात् पूर्वम् एव मुमुदे तेन तत्पिता स्वामिनारायणाय स्वाहा कौमारं समतिक्रम्य विष्णवर्चामखिलेन हि पोगण्डाख्यामवस्थां स प्रपेदे धर्मनन्दनः स्वामिनारायणाय स्वाहा षष्ठेब्दे माधवस्यास्य द्वितीयायां सिते रवो ब्राह्मे प्राप्तः सुतो भक्त्या सुषुवेन्यो नराधिप स्वामिनारायणाय स्वाहा गुणैः प्रद्युम्न तुल्योऽसौ नित्यं हरिमनुव्रतः
इच्छा रामैति ख्यातो बभूव जन पूजितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यामेन्ति मे निशो नित्यं सरयूमाप्लवायसः याति स्म नाम मात्रेण रघुनाथम् अपूपूजत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। चंदनाक्षत पुष्पेश्च धूप दीप निवेदने तमभ्यर्च तदुच्छिष्ट उपांगयुक्त न चेतरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। राम नाम जपम कर्तुं तुलसी काष्ठमालिकां शुचिर्भूतः करे दक्षे दधाति स्मानुवासरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्नातः कृतोर्ध्वपुण्ड्रोऽसौ रामकूट प्रदक्षिणां बालोप्यनाकुलेश्चक्रे जनयञ्जन विस्मयं स्वामिनारायणाय स्वाहा। जन्मस्थाने प्रतिदिनं लक्ष्मणस्य च तीर्थके विद्याकुण्डादिषु द्रष्टुं राममूर्तिः स्मयाति सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। रामस्य दर्शनं कृत्वा तं प्रणम्यं च दण्डवत् रामायणस्तुतिज्ञात तन्माहात्म्योऽनुनावसः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो हल्यां निजकर्मणैव महतीं प्राप्तां गतिं दुर्विधां दीनां गौतमयोषितं निपतितां निःसाधनां कानने सद्यो मोचयदात्मपादकमल स्पर्शेन तं पावनं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यो वा तामसहिंस्त्रजातिजनितं क्रूरं निषोदाधिपम् घोघारण्य विहारणं पशुसमं नृणां च हीनं धिया प्रेम्णा संपरिषस्वजे करुणया नादृत्यजात्यादितं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीताद्रोहकरं सुरेन्द्रतनयं काकाकृतिं बिभ्रतं वध्यं चापि शरेण सर्वभुवनेष्वभ्रामयद्यः प्रभुः भ्रांतं शोकहतं च तं स्वशरणं प्राप्तं मुमोचैव तं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। जात्याहीनतमं स्त्रियं च शबरीं कोलीरवन्तीमपि ज्ञात्वा स्वेक्षणमिच्छतिं करुणया तस्ये निजं दर्शनं यो दादाश च तत्फलानि मुदितं स्तं जानकीवल्लभं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तीर्यग्योनिसमुद्भवस्य पलला हारस्य यः पक्षिणो गृध्रस्यापि जटायुषो व्रततपो दानैर्विहीनस्य च चक्रेन्त्यां सकलां क्रियां सुत इव प्रीत्यास्वतातस्य तम् रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुग्रीवं निजबन्धुभीतमगृहं शाखामृगाणां पतिं दृष्ट्वा स्वं शरणं गतं कथमपि प्रीत्या स्वसखे करोत्
हत्वा वालिनमाशुचेन मदधात् स्वीये पदे यश्चतम् रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। शत्रोरप्यनुजं निशाचरमपि प्राप्तं स्वपादान्तिकं दूराद्वीक्ष्य विभीषणं प्रमुदितस् तत्सम्मुखं चैत्ययः हस्ताभ्यां परिरब्धवानिव निजं सौमित्रिमेवाश्रुतं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यत्स्मृत्यापि शुभं भवेन्निह नृणां तत्किंशरूक्षानपि प्रीत्या वेदिकमन्त्रवत्सुचितरान् योत्राकरोत् स्वाश्रयात् अन्याश्चापि बहून तारयदितो जीवान् भवाब्धेर्हितं रामं जीवहितं भजेति करुणं निर्हेतुकोपक्रियं स्वामिनारायणाय स्वाहा। बद्धाञ्जलिपुटो नित्यम् इत्थं स्तौति स्म राघवं गृहमेत्य स चाध्येत वेदाङ्गान्येव भूमिप स्वामिनारायणाय स्वाहा। नाम कुर्वन् गुणानाः मार्कण्डेयोऽस्य ज्ञानृप अनुभूयन्ते स्म सर्वे ते धर्मादिभिरञ्जसा स्वामिनारायणाय स्वाहा। योगीन्द्रस्पृहणीयैस्वेर्नियमेर्बाल्य एव च सर्वलोक प्रसिद्धोऽभूत् पित्रादेरपि सोऽधिकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। बाल्ये वनं तव चकार हि राक्षसेभ्यः साक्षन्मरुत्सुत इति त्वमिहादरेण सम्पूज्ययेस्तमिति तं पितरावशिष्टाम् भक्त्या तदाचरति च स्म समानयंस्तो स्वामिनारायणाय स्वाहा। ये केचनास्य सुकृतप्रियनन्दनस्य पौरः समागममकुर्वत बालकास्तान् प्रह्लादवत्स किल शिक्षयति स्म धर्मान् श्रीविष्णुपूजनमुखानखिलान् नरेन्द्र स्वामिनारायणाय स्वाहा। सर्वेऽपि ते सवयसोऽस्य हरे प्रतापाद् विक्रीडनं शिशुकसम्मतमाशु हित्वा कृष्णेकभक्तिनिरतः सनकादिसाम्यम् प्रापू सचित्रमुदमीयुरतस्तियाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रबलतरविरक्तिर्बाल्य एवात्मनिष्ठो विषयरसवितृष्णास्त्यक्तु क्रामो गृहं सः उपनयनमपेक्ष्य ब्रह्मचर्योपयुक्तम् न्यवसदिव सरस्याम् अब्जपत्रं गृहेषु स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्री सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथमप्रकरणे हरिपौङ्गण्डलीलावर्णन नाम अष्टाविंशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ एकोन्त्रिशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूर्यां वसन्नेव रघुतमस्य तस्यां सदेकान्तिकधर्मसंस्थः अनेकसाधुतमसद्मुणाढ्यः स्तुत्योऽभवत् सर्वजनेस्तु धर्मः स्वामिनारायणाय स्वाहा। दृष्ट्वा तस्मिन् सद्गुरोर्लक्षणानि प्रायः पौरा आश्रयं तस्य चक्रुः धान्यैर्द्रव्यैर्वस्त्रभूषादिभिस्तम् भूयो भूयः पूजयन्ति स्म रुष्टः स्वामिनारायणाय स्वाहा।
ये तं प्रपन्ना शरणं जनास्तान् सकृष्ण मन्त्रं समुपादिदेश धर्मांश्च पाल्या निज देशिकान् स्यात् ये संसृतास्तानखिलान् यथार्हं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदुक्तधर्मेषु च वर्तमानास्ते ज्ञानवैराग्य वृषोपपन्नाम् अनन्य भक्तिं विदधुः पुमांसो रासेश्वरी प्राणपतेर्नरेन्द्र स्वामिनारायण स्वाहा। केचित् सुरापा अपि तस्य सङ्गाज् जुहु सुरापा नमथामि दाशः देवे च पित्रेऽपि कथञ्चनापि संसर्गमप्याशु जुहूपलस्य स्वामिनारायणाय स्वाहा। तदाश्रिताये गृहिणास्तु तेषां श्रीविष्णुयागादय एव यज्ञाः हिंसा विहीना यवशालिदुग्ध सितादिभिः शूद्रहवीर्भिरासन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तं श्रीश्रियुर्वे नृपसाग्निकाश्च तेऽपि क्रतोक्वापि पशुं तु साक्षात् नेवालभत्तान्थ पपूर्णविप्रः सोत्रामणीयांश्च सुराग्रहांस्ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। निजाश्रयं कर्तुमभीच्छतिस्तु योषः समीक्षाथ सहस्रशोऽसौ विचारयामास धिया मनीषी हितावहः शिष्य परम्परायाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। श्रेयात् शुभं वाप्यशुभं यदत्र समाचरेत्तद्धि तदीयवर्गः अन्यश्च लोकोऽपि समाचरेद्वे तच्छ्रेयसा कर्म विचार्य कार्यं स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रीणां गुरुत्वं भुवि कुर्वते ये ते शिष्यभूतासु पराङ्गनासु विशेषतः स्वस्य वशासु तासु पृष्टा भवन्त्येव रतप्रसक्ताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुंसः प्रसङ्गस्तु ततोऽङ्गनायः कस्यापि हि क्वापि च नैव युक्त स्त्रिया भुजङ्ग्या इव तन्नरेण भेतव्यमस्या गुरुणा विशेषात् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रीणां हितं यस्तु गुरुर्विधित्सुः सकृष्णमन्त्रं नियमैः सहैव स्वयोषिताता उपदेशयेद्वै स्वयं तु नेक्षेत न भाषयेत्ताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसन्न सम्बन्धवती स्तु योषा विहाय नान्या गुरुणा च दृश्या स्पृश्यान् भाष्यान् च कुत्रचिद्वे धर्मो महानेश इदं मतं मे स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं सनिश्चित्य नरेन्द्रपत्न्या भक्त्योपदेशं समदापयत्ताः सुवासिनीनां च विभर्तृकाणां धर्मांश्च ताभ्यो च कथद् यथार्हं स्वामिनारायणाय स्वाहा। या योषिताशी श्रीयुरात्र भक्तिं स्वभर्तुनिष्ठः कुलटा समावा तः सर्वशोप्यस्य हरे प्रतापात् पतिव्रतः ख्यात गुणा बभूवुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सपोष्यो निवसंस्तत्र धर्मः प्रतिदिनं नृप षट्कर्माण्याचरन् कृष्ण महापूजां समाचरन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। न्यवेदय प्रत्ययहं च महानैवेद्यमुत्तमं कृष्णाय तस्य च महानिराजनं कारयत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। कृष्णजन्माष्टमी मुख्यान्याचचारव्रतानि सह
तेषु जागरणं चक्रे कृष्णस्य च महार्चनं स्वामी नारायण स्वाहा। उत्सवान्न कूटादि नाब्दि कान्राधिकापतेः महद्भीरेव संभारे ही सोकरो नृपतिर्यथा स्वामी नारायण स्वाहा। प्रत्यब्दं मासि भाद्रे च गणेशस्य महोत्सवं चक्रे शुक्ल चतुर्थ्यां स मध्याह्ने विधिवन् नृप स्वामी नारायण स्वाहा। आश्विनश्च चतुर्दश्यां कृष्णायां च महोत्सवं मारुतेः कुलदेवस्य प्रत्यब्दं विधिना करोत् स्वामी नारायण स्वाहा। अवतार चरित्राणां श्रीकृष्णस्य सतां पतेः अपराह्णे प्रतिदिनं कथनं स्वयमाचरत् स्वामी नारायण स्वाहा। पठनं पाठनं चैवं सद्ग्रन्थानां विचिन्तनं यथावकाशं मतिन्मान् करोति स्वामहं स च स्वामी नारायण स्वाहा। इत्थं स्वधर्म निरतो विजितांतरारिः कृष्ण प्रताप विगता सुरभूरि भीतिः स्वस्थो वसत्सुत कलत्रययुतः सतत्र सद्वर्त्मनि स्वशरणानि हवर्तयन्द्रीन् स्वामी नारायण स्वाहा। इति श्री सत्संगी जीवने नारायण चरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथम प्रकरणे धर्मकृत स्त्री पुरुष गुरु मर्यादा निरूपण नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः स्वामी नारायण स्वाहा। अथ त्रिंशोऽध्यायः सुव्रत उवाच स्वामी नारायण स्वाहा। अथोपनीतिं तनयस्य विप्रो विधातुमत्युत्सुकमानसः स सम्पादयामास विशेषतोऽपि यथोक्तसंभारभरानुदारः स्वामी नारायण स्वाहा। आहूय दैवज्ञममुं समर्च्य काश्मीरपुष्पाम्बरदक्षिणाभिः फलं निधायास्य पुरः सरत्नं पप्रच्छ पुत्रव्रतबन्धकालं स्वामी नारायण स्वाहा। स प्राह गर्भाष्टमैव वर्षे तपस्य मासेद्य तु वर्तमाने तिथौ दशम्यां च विधो कुरुत्वं तिष्ये जलग्ने व्रतबन्धकर्म स्वामी नारायण स्वाहा। निशम्य मौहूर्तिकवाक्यमित्थं तदेव जग्राहसनिश्चयेन ततो लिखन् मङ्गलपत्रिकाश्च स्वज्ञाति सम्बन्धि सुहृत्सखिभ्यः स्वामी नारायण स्वाहा। त आयुस्तत्र सहोपहार अनोरथाश्चादि विचित्रयानः साकं सुयुत्पुत्र कलत्र दासे कृष्णे क्षणात्युत्सुकमानसाश्च स्वामी नारायण स्वाहा। सम्भावयन्नेव यथोचितं तान् सम्भारमाहार्य महान्तमेव सपुत्रमाङ्गल्यज भूरिहर्षो ददौ स्वकेभ्यो नववस्त्रभूषः स्वामी नारायण स्वाहा। स आनयामास च दूतवेर्योर्देशान्तरेभ्यो बहुमानपूर्वं विप्राश्चतुर्वेदविदः सुशीलान् पौराणिकान् शास्त्रविदः कविंश्च स्वामी नारायण स्वाहा। ते तं द्विजेन्द्रा मिहिरप्रकाशाः पौराश्च विप्रा निगमागमज्ञाः स्वाचार्यमुख्या मुनिगोऽभिलोक्ता गृह्येण कर्म स्म विधापयन्ति स्वामी नारायण स्वाहा। मङ्गल्यवाद्यानि बहूनि तस्य गृहेष्ववाद्यन्तदिवाच रात्रो जगोश्च गीतानि मनोहराणि सुवासिनीनां निकरः समेतः स्वामी नारायण स्वाहा। पुत्रोपनीतावधिकारसिद्ध्यै
कार्यस्य कृच्छत्रितयव्रतस्य विप्रः सधेनो त्रयदानमाशु चकार भूप प्रतिबिंबमेव स्वामीनारायण स्वाहा। यत्कामचारा शनवाद मुख्य दोषोपशान्ते तनयेन कार्यम् कृच्छत्रयं तच्च तथेव धेनु त्रय प्रदानेन पिता चकार। स्वामीनारायण स्वाहा। पूर्वे द्युरेवोपनयाङ्गकर्म समातृपूजादि चकार सर्वं नान्दी मुखं स्वास्त्ययनं ग्रहाणां शान्तिं सदन्नेर्द्विजतर्पणं च। स्वामीनारायण स्वाहा। प्रातर्दशम्यां पुरतो गृहस्य सम्मार्जनाद्यैर्भिसंस्कृतेऽसौ संस्थापयामास समुद्भवाख्यं हूताशनं स्थण्डिल आर्चयच्च। स्वामीनारायण स्वाहा। स्ववेदशाखोचितकर्म मार्गं स्ववंशधर्मं च विदन्नशेषं द्विजाति संस्कार विधान विज्ञ विप्रोक्त रीत्यैव चकार सर्वं। स्वामीनारायण स्वाहा। स्नातं च भुक्त्वं कृतकेशवापं स्नातं जनन्या समलग्नकृतं च स्वदक्षभागे विनियोपवेष्टं संस्कारयामाससुतं यथावत्। स्वामीनारायण स्वाहा। आबध्यकट्यां कटिसूत्रमेनं कौपीनखण्डं परिधाप्य चासौ यज्ञोपवीतं नवतन्तु शुद्धं कार्पासकं स्म त्रिगुणं ददाति। स्वामीनारायण स्वाहा। अग्ने व्रतेत्यादिभिराज होमं विधायनाभ्यादि तदङ्गमार्य स्पृष्ट्वा वदच्चाद्य दिनाद्धरायां त्वं ब्रह्मचारी भवसीति कृष्णं। स्वामीनारायण स्वाहा। प्रैषान् गुरुक्तांस्तनयाय धर्मः सर्वान्यथावत् समबुबुधच्च आधेहि नित्यं समिदः सुतत्वं प्रातश्च सायं यदि वैव सायं। स्वामीनारायण स्वाहा। आदौ तथान्ते शनकर्मणस्त्वं कुर्या अपोषान विधिं च नित्यं त्यजेर्दिवास्वापमपि प्रयत्न दाचार्य सेवा निरतो भवेश्च। स्वामीनारायण स्वाहा। पित्रैव मुक्तः सहसन् कुमारो बाढं प्रति प्रैषमुवाच चोच्चैः तेनातिहर्षं स च तास्य पत्नी सम्बन्धिनोऽन्ये च ययुः प्रकामं। स्वामीनारायण स्वाहा। कट्यां गुरुस्तस्य बबन्धमोब्जिं श्लक्ष्णां तिवृत्तां रशनां विधिज्ञः ग्रन्थित्रयं चापि चकार तस्य हरिप्रसादः प्रवरानुरूपं। स्वामीनारायण स्वाहा। अग्नेरुदक् प्राङ्मुख उत्तराग्र कुशासनस्थो जनकः सुताय प्रत्यङ्मुखाया दिशति स्म मन्त्रं ब्राह्मं निषण्णाय समानपीठे। स्वामीनारायण स्वाहा। तदा महादुदुम्बिघोष आसीत् वाद्यान्न वाद्यन्त च सर्वशोऽपि ब्रह्माध्वनिः श्रीगणगीतिकाभिः समं दिदेपे जयशब्दमिश्रः। स्वामीनारायण स्वाहा। अमौलिदण्डं गुरुरात्मजाय ब्रह्मद्रुमस्यैव ददौ स मन्त्रम्
ऐणं तथैवाजि नमोत्तरीयं स्नान संध्या विधिं शिक्षयति स्म पश्चात् स्वामी नारायण स्वाहा। मध्याह्न संध्या प्रथमं ह्युपास्या सायन्ति निवेति सदस्य वादे प्रवर्तमाने बहुधा तदानीं मध्याह्निकित्येव वृषो जगाद स्वामी नारायण स्वाहा। प्रेषान् पुनः पूर्ववदेव धर्म आदिश्यमानान् गुरुणा सुताय अबोधयत् स्पष्टतरं वचोभिस्तत्पालनात्युत्सुकमानसाय स्वामी नारायण स्वाहा। विद्या गुरुर्वाचि सदेव तिष्ठेर् अन्यत्र पापाचरण प्रवृत्ते क्रोधात्रुयेवार्जयमेथुनं च यदष्टधावे प्रतिषिद्धमस्ति स्वामी नारायणाय स्वाहा। ग्राम्यं तु गीतं त्यजनर्तनं च वाद्यानि गन्धाद्यनुलेपनं च अभ्यङ्गमुद्वर्तनमञ्जनं च संघ्रूष्य च स्वाङ्घ्र्यवने जनं च स्वामी नारायण स्वाहा। उच्चासनं चापि गुरोः पुरस्ताद् अन्तातिशुद्धिं सुतकङ्गताद्ये केशप्रसारं च धरावलेखं निर्हेतुकं मा कुरु केशवापं स्वामी नारायण स्वाहा। मद्यं च मांसं स्पृशना क्वचित्त्वं गोयुक्तयानं च यथेष्टचेष्टाम् आदर्शवीक्षां त्यज चान्यनिन्दाम् उपानहावातपवारणं च स्वामी नारायण स्वाहा। हिंसां तु वाचापि न कस्यचित्त्वं जन्तोस्तथा स्वस्य च मुक्तयेऽपि कुर्याः कुसङ्गं न च पुत्रभूमौ न भोजनं क्वापि च कांस्यपात्रे स्वामी नारायण स्वाहा। द्यूतं च ताम्बूलमपि त्यजेस्त्वं भङ्गाद्यपेयं लशुनाद्य भक्ष्यं गोविप्रतीर्थामरसाधु साध्वी सच्छास्त्रनिन्दां कुरु मा कदाचित् स्वामी नारायण स्वाहा। कोऽपि न मोजी कटिसूत्रदण्ड यज्ञोपवीतानि कमण्डलुं च एणं च चर्मे तु नित्यमेव सन्धारयेस्त्वं सुतभैक्षपात्रं स्वामी नारायण स्वाहा। स्नानं च सन्ध्यां च जपं च होमं स्वाध्याय देवादिकतर्पणे च समर्चनं शक्तित एव विष्णोः कुर्याः सदा त्वं श्रवणादि भक्तिं स्वामी नारायण स्वाहा। एवं हिता तेन सुबोधितोऽसौ स्वेच्छाबटुस्त्वं हरिराह बाढं पास्वन्तमुद्बाहुरथोपतस्थे प्रदक्षिणां चाप्यनलस्य चक्रे स्वामी नारायण स्वाहा। भिक्षां ददावादित एव तस्मै भक्तिः स्वयं ह्यर्थयते सुताय सुवासिनी मोक्ष सुहृस्त्रियोन्यास् ततो ददुः प्रीतियुता नरेश स्वामी नारायण स्वाहा। आचार्यवर्याय निवेद्य भेक्षम् तदुक्तमेवात्मन आददेशो समापयामास यथाविधानं तत्कर्म धर्मः सकलं विधिज्ञः स्वामी नारायण स्वाहा। वर्णिवेशममलं सदधानो लब्धसंस्कृतिरहस्करकान्तिः तत्र विप्रवरमण्डलमध्ये ब्रह्मचर्यमिव मूर्तमराजत् स्वामी नारायण स्वाहा।
विप्रेभ्योऽथ स विप्र उत्सुकमना गाः स्वर्णमुद्रास्तथा वांसास्याभरणानि यानकवरा योदार्यतो दत्तवान् तस्मे चापि जना यथोचितमधुर्वस्त्राणि वीतादि च प्रादात्स्वीयजनेभ्य एष च यथा युक्तं च वस्त्राद्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। पौरानन्यांश्च विप्रान् स्वगृहमुपगतान् भोजयामास सम्यग् भक्ष्यैर्भोज्यैर्विचित्रैर्बहुविधसुरसैस्वेप्तिसैत्सत्कृतैश्च सर्वांस्तान् दक्षिणाभिर्नृपतिरिव वृषस्तोषयित्वा विसृज्य भूर्यानन्दः स्वपुत्रं स्वनिगममखिलं पाठयामास सार्थं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्री सत्संगी जीवने नारायण चरित्रे धर्मशास्त्रे प्रथम प्रकरणे हर्युपनयनोत्सव नाम त्रिंशोऽध्यायः स्वामी नारायणाय स्वाहा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री वासुदेवाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री नरनारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री प्रभवे नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री अजन्म नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री नारायणाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री हरये नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री घनश्यामाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री धार्मिकाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री भक्तिनन्दनाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा। ॐ श्री बृहत्पतधराय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री मरुत्सत प्रियाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री जितेन्द्रियाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री जिताहाराय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री तीव्र वैराग्याय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री आस्तिकाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री योगेश्वराय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री योगकला प्रवृत्तये नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री अतिधैर्यवते नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री ज्ञानिने नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री परमहंसाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री तीर्थकृते नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री तीर्थकार्चिताय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री क्षमानिधे नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री निद्राय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री ज्ञाननिष्ठाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री तपःप्रियाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री सिद्धेश्वराय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ स्वतन्त्राय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्धकाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री भाषण्डोच्छेदन पटवे नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ स्वस्वरूपाचल स्थितये नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री निर्दोषाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री अतिकारुण्य नयनाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्धकाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री महाव्रताय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री साधुशीलाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ॐ श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ॐ
अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी ने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम काल दोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सत्य समाधि सिद्धि कारकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम कृष्ण अर्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम कौल द्विषये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम कवितारकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम निर्दम्भाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सर्वजीव हितावहाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वाकल्पदाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम अतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम बद्धरते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम पराजिताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री समुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री उदाराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सात्विधर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री वैष्णवक्र दुकारकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री निस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री रोशनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री षडूर्मी विजयक्षमाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री निरहंकृते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री अद्रोहाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री ऋषवे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्वोपकारकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री नियामकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री शमसिते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री विनयवते नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री जातवेरिणे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्लोभाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री महापुरुषाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री आत्मदाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री अखंडितार्ष मर्यादाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री मनो निग्रह युक्तिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री यमदूत विमोचकाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री पूर्णकामाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यवादिने नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुणग्राहिणे नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री गतस्मयाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम सदाचार प्रियतराय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री सर्वमंगल सद्रूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामी नारायणाय स्वाहा। इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा रमण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। जय सदगुरु स्वामी प्रभु। जय सदगुरु स्वामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु। बलवंत बहुनामी प्रभु। जय सदगुरु स्वामी। चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी। प्रभु बंधु कर जोड़ी।
चरणे शीश धराति चरणे शीश धराति दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सदगुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता विनाशी प्रभु करता विनाशी अड़सठ तीरथ चरणे अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सदगुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छूटी काल कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सदगुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु की दी वाले करुणा बहु की दी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधि प्रभु जय सदगुरु स्वामी जय सदगुरु स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।